हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल रोज़ मिल्क केक की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। ये केक जो है हम घर में अवेलेबल सामान से बनाने वाले हैं, ओवन में नहीं बनाने वाले हैं, कढ़ाई में बनाने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। और क्रिसमस पे इस तरह से केक बनाकर आप भी अपने घर पर इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रोज़ मिल्क केक, जो बहुत ही आसानी से हम घर पर ही बना सकते हैं और बहुत ही आसान है ये कढ़ाई में बनाना। तो आज का ये जो केक है ये हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लो फ्लेम पे ये कढ़ाई जो है फ्री हीट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये चौड़े मुँह वाली कढ़ाई ली है और इस तरह से इसमें एक स्टैंड रख दिया है और लो फ्लेम पर मैंने गैस ऑन कर दी है और अब हम इसे ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्री हीट कर लेंगे। तब तक हम केक का जो मिल्क केक का जो बैटर है वो बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये एक मिक्सिंग बाउल लिया है। तो अब हम केक का बैटर बना लेंगे। तो आज हम जैसे कि रोज़ मिल्क केक बनाने वाले हैं तो ये जो केक का बैटर है ये मिल्क में बनेगा, पानी में नहीं बनेगा। और ये केक जो है मैं आपके साथ जो है मैदे से हम किस तरह से बना सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये केक हम मैदे से बनाने वाले हैं, प्रीमिक्स से नहीं बनाने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीसी हुई चीनी लेंगे हाफ कप। देखिए, हाफ कप पीसी हुई चीनी और हाफ कप हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अमूल का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर जो है हाफ कप कंडेंस मिल्क डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। और इसी बैटर में हम जो है 1/4 कप जो है जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो डालेंगे, जिसमें बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं होती, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बस इसमें जो सरसों का ऑयल होता है वो यूज़ नहीं करना है। किसी भी केक बनाने के लिए हमें जो है अनफ्लेवर ऑयल जो है वही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है और इसे हम अच्छे से एक सा कर लेंगे। ये सभी चीज़ें हमें अच्छे से मिला लेनी है। सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिला ली है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ सिरप ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें टीस्पून और टेबलस्पून में याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है रोज़ सिरप यूज़ किया है। तो इसे भी हम डालकर अच्छे से एक सा कर लेंगे। अब हम इसमें छन्नी रख देंगे और आगे के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम सभी छान कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया है, इसी में हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप जो है जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है वो यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हमें ये मिला लेना है। पूरा हम ये दूध यूज़ कर लेंगे और दूध के साथ ही हम यहाँ पर पिंक फूड कलर जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी मैं 1/2 टीस्पून जो है वो यूज़ करने वाली हूँ और इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है। ये देखिए, ये हमारा केक का बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब हम केक टिन रेडी कर लेंगे। तो मैं स्क्वायर वाला केक टिन ले रही हूँ।
आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं केक टिन को जो है ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है, उसमें मैं वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने केक टिन ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब जो है हम इसमें केक का बैटर जो है वो डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 बार जो है टैप कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने ये टैप कर लिया है। अब हम इसमें हमने जो कढ़ाई फ्री हीट होने के लिए रख दी थी ये केक टिन जो है वो उसमें रख देंगे। लगभग हमें ये केक टिन जो है 30 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पे बेक कर लेना है और फिर 30 मिनट के बाद जो है हम इसे टूथपिक से चेक करके देखेंगे। अगर हमारी टूथपिक जो है वो साफ़ आती है तो हम ये केक जो है निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और अगर केक थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो और 5 मिनट के लिए हमें ये केक जो है बेक करने के लिए रख देना है। तो अब ये केक टिन जो है वो मैं बेक करने के लिए कढ़ाई में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर केक चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल साफ ऐसी टूथपिक है, इससे हम ये केक चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ आ रही है ये टूथपिक, इसका मतलब हमारा केक जो है वो बेक होकर रेडी हो गया है। अब मैं ये उतार कर ठंडा कर लूँगी लगभग 1 घंटे के लिए। अब हम मिल्क सिरप बना लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध ले रही हूँ। और 1/4 कप कंडेंस मिल्क और खाने का फूड कलर, ये डालकर हम इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिल्क सिरप जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। अब हम केक ठंडा हो गया है तो केक देख लेंगे, अनमोल्ड कर लेंगे केक को। सो फ्रेंड्स, केक जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे फोर्क की हेल्प से इस तरह से पिक कर लेंगे। और केक को साइड में रख देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो केक की फ्रॉस्टिंग है वो रेडी कर ली है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है तो उसकी लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो ये फ्रॉस्टिंग जो है हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे और फिर हम केक की आगे की आइसिंग करेंगे। अब हम केक पे जो हमने मिल्क सिरप बना लिया था वो डाल देगी। और ऊपर से इस तरह से हम फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर केक फ्रॉस्टिंग करके केक हमारा रेडी हो गया है। ये शुगर बॉल से आइसिंग करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रोज़ मिल्क केक बनकर रेडी हो गया है। बस हमें ये मिल्क केक जो है 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम ये निकाल कर अच्छे से कट कर लेना है। और जो हमने मिल्क सिरप बना लिया था रोज़ मिल्क सिरप, उससे ये गार्निश कर देना है। इसका एक बड़ा सा पीस निकालना है, प्लेट में रखना है और इसके साइड से हमें वो मिल्क सिरप डालकर ये केक सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी और आसान ऐसा ये हमारा रोज़ मिल्क केक बनकर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।